बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ माउथ फॉर फिश, के फिश के लिए किस तरह से जो है ना माउथ की एनाटॉमी होती है। अब कुछ जो है ना एनाटॉमिकल चेंजेस होती हैं माउथ के अंदर, फिश के माउथ में कुछ जो है ना एनाटॉमिकल चेंजेस होती हैं इसकी एवोल्यूशन डेवलपमेंट के दौरान, जिसकी मदद से जो है ना फिश को हम लोग क्लासीफाई करते हैं इसकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट, वो है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स ऐसी फिश होती हैं जिसकी एग्जांपल हमारे पास ट्राउट एग्जांपल आ जाती है। ऐसी फिशेज हैं जो कि अपने प्रे को जो है ना अपनी आँख के जरिए देखती हैं, ठीक है, उसके बाद अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो ग्रैस्प कर लेती हैं प्रे के ऊपर और होल्ड कर लेती हैं प्रे को, ताकि जो आसानी से जो है ना वो उसका शिकार कर सकें। जबकि कुछ ऐसी भी फिशेज मौजूद हैं जो कि सेंसेस का इस्तेमाल करती हैं टेस्ट को देखने के लिए। सबसे पहले मैंने कौन सी कैटेगरी बताई है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रीडेटर्स। ऐसी फिशेज हैं जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है ट्राउट की। किसकी एग्जांपल आ जाती है? ट्राउट की एग्जांपल आ जाती है। किसकी एग्जांपल है जी? ट्राउट की। ट्राउट इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रीडेटर्स, जिन्होंने करना है फीड करना है एनिमल से, और आम तौर पर इन्होंने क्या करना है, अपनी आंखों के जरिए प्रे को देखना है। किसके जरिए देखना है? आंखों के जरिए देखना है। फीड ऑन एनिमल्स, ठीक है, यानी कि एक्ट करना है, ग्रैस्प करना है, होल्डिंग करनी है प्रे को, ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग द प्रे। क्लियर है? जबकि कुछ जो है ना प्रीडेटरी फिशेज वो डिपेंड करती हैं सेंसेस ऑफ टेस्ट के ऊपर। सम फिशेज डिपेंड ऑन सेंसेस ऑफ टेस्ट पर। क्लियर है? ना सिर्फ टेस्ट बल्कि कुछ ऐसी फिशेज भी होती हैं जो कि टच के ऊपर डिपेंड करती हैं, या फिर लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स पर। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स पर बेसिकली ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिडक्ट की जा सके मूवमेंट को, ठीक है, और वाइब्रेशन को डिडक्ट किया जा सके सराउंडिंग वाटर में, इर्द गिर्द के वाटर की जो वाइब्रेशन में ना मूवमेंट को डिडक्ट किया जा सकता है। और ये बेसिकली जो है ना स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन, और इनको पास न्यूरोमास्ट मौजूद होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी डिडक्शन के लिए, ठीक है ना। लेटरल लाइन सेंस सिस्टम क्या करता है? हेल्प करता है आसानी से प्रीडेटरी बिहेवियर शो करने के लिए। और ये एक्टिव फिशेज होती हैं। क्या होती हैं? एक्टिव होंगी तो डेफिनेटली जो है ना वो अपनी जो है ना वो एनर्जी के जरिए जो है ना वो कैप्चर कर सकेंगी प्रे को। क्लियर है जी? ये था बेसिकली हमारे पास प्रीडेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राजर्स के बारे में। किसके बारे में जी? सेकेंड कैटेगरी है हमारी ग्राजर्स। इसकी एग्जांपल में बस म्यूलेट आ जाती है। क्या आ जाती है इसकी एग्जांपल में? बस म्यूलेट। म्यूलेट इज एग्जांपल ऑफ द ग्राजर्स। ये ऐसी फिशेज होती हैं जिन्होंने ग्रास करना होता है, जिस तरह मेमेलियन ग्राजर करते हैं ना, जैसे हमारे पास काऊ है, ठीक है, गाउट है, बकरी है, या गाय वगैरह है, इस तरह ही ये ग्राजर जो फिशेज है ना वो ग्रासिंग का प्रोसेस जो है ना वो अख्तियार करती हैं। इन्होंने कॉन्टीन्यूसली जो है ना वाटर हैबिटेट की जो बॉटम से जो है ना मुसलसल ग्रास करना होता है। क्लियर है? उसपे प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल ऑर्गेनाइजम्स भी हो सकते हैं। फूड को हम लोग आमतौर पर जो है ना अच्छे तरीके से ना जैसे बाइट के जरिए लिया जाता है ना, इस तरह से जो है ना वो ग्राजर्स जो है ना वो खुराक जो है ना वो अपनी हासिल करती हैं। फूड इज टेकन वेल डिफाइंड
वेल डिफाइंड बाइट्स, ठीक है, वेल डिफाइंड बाइट के जरिए जो है ना खुराक को हासिल किया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली जो वाटर हैबिटेट का जो बॉटम है ना, वाटर हैबिटेट का जो बॉटम है ना, वहाँ से जो है ना वो खुराक को हासिल करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, कुछ प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ जो है ना एनिमल ऑर्गेनाइजम्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं या फिर स्मॉल एनिमल ऑर्गेनाइजम्स भी हो सकते हैं। क्लियर है, ये थी हमारे पास, फिलहाल हम लोग डिस्कस किया टू कैटेगरीज को। थर्ड है हमारे पास स्ट्रेनर्स, थर्ड हमारे पास कैटेगरी क्या आ जाती है, स्ट्रेनर्स। और ये ग्रासेस ऐसी फिशेज होंगी जो कि बॉटम के ऊपर मौजूद होंगी, ठीक है। और देखिए कुछ बड़ी मछलियाँ जो होंगी ना अपना बच्चा कुछ खुराक को नीचे की तरफ फेंक देगी, तो उसको भी जो है ना वो ग्रासेस जो है ना अपने फूड के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल करेंगी। ये कहाँ मौजूद होगी, मस्ट प्रेजेंट एट द बॉटम। क्लियर है, मस्ट प्रेजेंट एट द बॉटम। क्लियर है, ये स्पिटेटर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और इनका जो माउथ होता है मस्ट बी एट द, इनके टर्मिनल माउथ होता है। कौन सा माउथ होता है, प्रीडेटर फिशेज का टर्मिनल माउथ होता है। ग्रासेस मस्ट बी प्रेजेंट एट द बॉटम। और इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है। क्या होता है, वेंट्रल होता है। ग्रासेस का माउथ कौन सा होता है, वेंट्रल होता है। जबकि प्रीडेटर्स की बात करें तो इनका माउथ क्या होता है, टर्मिनल। दे हैव टर्मिनल माउथ, टर्मिनल माउथ। यह कैसा माउथ है जी, टर्मिनल माउथ है। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करें ग्रासेस की, तो ये इनका कैसा माउथ है जी, टर्मिनल इनका है, इनका है वेंट्रल माउथ, वेंट्रल माउथ। ग्रासेस हैव वेंट्रल माउथ और टर्मिनल क्या होता है, मस्ट बी एट द एंड। क्लियर है, स्ट्रेनर्स का मतलब होता है छानना। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है मैनहेडन की, इसकी एग्जाम्पल आ जाती है मैनहेडन की। ये ऐसी एग्जाम्पल है जो कि आमतौर पर क्या करते हैं, अपने साइज को देखने के बाद जो है ना वो खुराक हासिल करते हैं, ना कि टाइप देखते हैं। सेलेक्ट फूड प्राइमरली बाय साइज रेदर देन बाय टाइप, ये करते हैं सेलेक्ट फूड, सिलेक्ट फूड प्राइमरली बाय साइज rather than by type। टाइप की बजाय ये साइज के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। स्ट्रेनर का मतलब होता है छानना, ठीक है। अगर एडल्ट मैनहेडन को देखे ना, तो इसने क्या करना होता है, 22.7 लीटर जो है ना इसने वाटर को जो है ना वो स्ट्रेन करना होता है पर मिनट, एक मिनट में, पर मिनट, एक मिनट में इसने 22.7 लीटर जो है ना वो वाटर को क्या करना होता है, स्ट्रेन करना होता है। अब इसने क्या करना है, जैसे ही ये अपनी मतलब कि वाटर को माउथ के अंदर लेके जाएगा, जो अपने हिस्से की इनकी जो अपनी मनपसंद खुराक हो गई है, साइज के हवाले से जो उसको आसानी से जो है ना वो निगल ही जा सकेगी, उसको ले लेगा, बाकी को जो है ना वो निकाल देगा, ठीक है। एडल्ट मैनहेडन कैन स्ट्रेन एक्सेस 22.7 लीटर से भी ज़्यादा जो है ना वाटर को जो है ना वो स्ट्रेन करती है एक मिनट में अपने गिल रैकर्स की मदद से। किसके जरिए, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें गिल रैकर्स मौजूद होंगे, गिल रैकर्स की मदद से जो है ना वो एक मिनट में 22.7 लीटर से भी ज़्यादा जो है ना वो वाटर को स्ट्रेन कर सकती है।
अब ये जो मेनहेडन है ना, इस काबिल होती है कि कंसंट्रेट कर सके रिलेटिवली लार्ज मैस ऑफ प्लैंकटन को और दूसरे ऑर्गेनाइजम्स को। ना सिर्फ ये कि इससे अपनी खुराक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को सट्रेन करके नहीं हासिल करनी होती, बल्कि इससे क्या करना होता है, इससे लार्ज मैस ऑफ प्लैंकटन को भी ये अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेती है। लार्ज मैस ऑफ प्लांकटन को और इसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनाइजम्स को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। एंड अदर ऑर्गेनाइजम्स, क्लियर है जी? ये है जी स्ट्रेनर्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सकर्स के हवाले से। इसके हवाले से सकर्स, सक का मतलब होता है सक, सकर्स सक सक यानी कि इसमें आ जाती है हमारे पास बेफलो फिश की एग्जाम्पल। इसमें किसकी कैटेगरी आ जाती है? बेफलो फिश की। फोर्थ इज द कैटेगरी, हियर इज द सकर्स। सकर्स इसमें एग्जाम्पल हमारे पास किसकी है? बेफलो फिश की हमारे पास एग्जाम्पल है। ये आमतौर पर क्या करते हैं, इनका हैबिटेट होता है ना वो वाटर का बॉटम होता है। इन्होंने सकिंग करनी होती है, मड में से इसने चूसना होता है और फिल्टर करना होता है और एक्सट्रैक्ट करना होता है डाइजेस्टिबल मटेरियल को। ठीक है, क्लियर है जी? इसमें एक एग्जांपल है जी बेफलो फिश की, इसमें एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, प्राइमरी फीड कहाँ से करते हैं? ऑन द बॉटम ऑफ देयर हैबिटेट। प्राइमरली फीड, प्राइमरली फीड ऑन द बॉटम ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, चूसना कहाँ से होता है? सकिंग कहाँ से होती है? सकिंग होती है मड से, क्लियर होता है। और फिल्टरिंग करनी होती है, फिल्टरिंग और एक्सट्रैक्ट करना होता है, एक्सट्रैक्टिंग, क्लियर है जी? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी, डेट इज द पैरासाइट। अब ये क्या है जी, ये सकर्स की बात है, ये हैं बॉटम ड्विलर्स। ठीक है, इनका माउथ भी क्या होगा? इनका माउथ होगा वेंट्रल माउथ होगा। इन्होंने खुराक को कहाँ से हासिल करना है? मड में से हासिल करना है, मड में से खुराक को जो है वो चूस लेना है। माउथ के कहाँ पे इनका प्रेजेंट होता है? माउथ इज द वेंट्रल। और स्ट्रेनर्स की बात करें तो ये क्या होगा? सरफेस एंड कॉलम फीडर्स होंगे। स्ट्रेनर्स किस हवाले से होंगे? सरफेस एंड कॉलम फीडर्स, क्लियर है जी? सरफेस एंड कॉलम फीडर्स होंगे स्ट्रेनर्स। लेकिन सकर्स की बात करें तो ये क्या है जी? ये बॉटम डिविलर्स हैं। माउथ इनका कहाँ मौजूद होता है? माउथ है इनका वेंट्रल। ठीक है, उन्होंने खुराक कहाँ से हासिल करनी है? मड में से जो है इन्होंने खुराक को हासिल करना है। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करने गए हैं, डेट इज द पैरासाइट। लास्ट कैटेगरी इज द पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के हवाले से हम लोग देखें ना, पैरासाइट यानी कि क्या है? मोस्ट स्लगिश है, इनके डीजनरेटिव मसल्स होंगे। ठीक है, और कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगी, पुअर पुअर इनके सेंस ऑफ ऑर्गन्स होंगे, आसानी से देख भी नहीं सकेंगे, नो आइज। ठीक है, क्लियर है? और इसमें किसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है? लैम्प्रे की। लैम्प्रे डेट शो द बिहेवियर ऑफ पैरासाइट्स। सम फिश लाइक द लैम्प्रे अटैच themselves टू अदर एनिमल्स। लैम्प्रे ने करना होता है अटैच करना है तो है खुद को, अटैच themselves टू अदर
एनिमल्स दूसरे जानदार के साथ खुद को क्या करना होता है, अटैच करना होता है, अटैच देमसेल्व्स टू अदर एनिमल्स, क्लियर है। और इन्हें एग्जिस्ट करना होता है बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर, होस्ट के बॉडी फ्लूइड के ऊपर इनको करना होता है डिपेंड होना होता है, एग्जिस्ट ऑन बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द होस्ट, ऑफ होस्ट, होस्ट के बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर इसी का करना होता है एग्जिस्ट करना होता है। ये क्या है, ज्यादा स्लगिश है, इनके ज्यादा एक्टिव नहीं है, मोस्ट स्लगिश, मोस्ट स्लगिश है, डीजेनरेटिव ऑर्गेनिजम्स है, ज्यादा एक्टिव बिल्कुल नहीं है, डीजेनरेटिव, डीजेनरेट मसल्स है, ठीक है। और मजीद ये कि ये क्या है जी, ये एग्जिस्ट करती थी पास्ट में, ठीक है, और ज्यादा एक्टिव नहीं है, टीथ का इस्तेमाल करती हैं बाइट के लिए। इसकी एग्जाम्पल मैंने कौन सी बताई है आपको, लैम्प्रे। दीज आर दी कैटेगरीज डेट रिप्रेजेंट एनाटॉमी ऑफ माउथ फॉर फिश, क्लियर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी बताइए कि आज की ये जो वीडियो है आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।